सो हेलो ऑल, वेलकम टू इंग्लिश ऑनर्स क्लासेस। आई एम आशुतोष दत्त मिश्रा, और इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो सब्सिडरी का सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं कि आखिर इंग्लिश सब्सिडरी का सिलेबस क्या है। चाहे वो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्स के स्टूडेंट हो, देयर सब्सिडरी सिलेबस इज ऑलमोस्ट द सेम। तो फर्स्ट ईयर का जो सब्सिडरी सिलेबस है, इसमें आप देख रहे हैं एक पेपर होगा आपको, और जो पहला चीज है, यू हैव टू रीड सेवरल पोयम्स। तो ये बहुत सारी पोयम्स आपको पढ़नी होती है। एक बुक आता है द गोल्डन ट्रेजरी के नाम से, मोतीलाल बनारसी दास इसे पब्लिकेशन का नेम है। तो ये बुक आपको, एक मोटी सी बुक जिसमें बहुत सारे पोयम्स के कलेक्शंस हैं, वो आपको मिल सकता है गोल्डन ट्रेजरी के नाम से। तो गोल्डन ट्रेजरी के नाम से ये बुक आती है, उसी बुक में बहुत सारे पोयम्स हैं, वही पोयम्स आपके सिलेबस में हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो पहली पोयम आपको पढ़नी है वो है जॉर्ज हर्बर्ट की लव। उसके बाद जो दूसरी पोयम है, द सेकेंड पोयम इज ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाई जॉन मिल्टन। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द थर्ड पोयम विच इज अ लिटिल लर्निंग बाई अलेक्जेंडर पोप। चौथी पोयम जो आपको पढ़नी है वो है विलियम वर्ड्सवर्थ की अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। पांचवी है जॉन कीट्स की ओड टू अ नाइटिंगल। सिक्स वन इज बाय पी बी सेली ओड टू द वेस्ट विंड। सेवेंथ वन इज द एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की ब्रेक ब्रेक ब्रेक। एट्थ वन इज द जीएम हॉपकिंस का गॉड्स ग्रैंडर। एंड नाइन्थ वन WH ऑडेन का लुक स्ट्रेंजर। देखो, ये जितनी भी पोएम्स पढ़नी है, जरूरी नहीं है कि आप सारे पोएम्स पढ़े। अगर आप सेलेक्टेड पोएम्स भी पढ़ते हैं, पहले तो उस बुक में बहुत सारी पोएम्स हैं, उसमें से यही पोएम आपके सिलेबस में है। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सब्सिडरी पेपर, इसमें से भी अगर आप सेलेक्टेड पढ़ लेते हैं तो इट विल बी ओके, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको किसी एक से पूछा जाएगा। तो नाइन पोएम टोटल आपको पढ़नी है। नाइन में से कोई भी सिक्स पोएम अगर आप पढ़ते हो तो डेट विल बी सफिशियंट। और इस पोयम से रिलेटेड एक्सप्लेनेशंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सेकेंड जो बुक आपको पढ़नी है वो है द लिटररी हेरिटेज। ये अ न्यू एंथोलॉजी ऑफ इंडियन इंग्लिश प्रोज, ये इस नाम से एक किताब आती है द लिटररी हेरिटेज, और एंथोलॉजी है बेसिकली। ये भी मोतीलाल बनारसी दास पब्लिकेशन की बुक आती है। इसमें उसमें भी बहुत सारी स्टोरीज हैं, जिसमें स्टोरी और प्रोज पीसेस हैं। इट्स नॉट लाइक कि सारी की सारी स्टोरीज ही हैं, जैसे कुछ आर्टिकल्स कुछ एसेज भी हैं। तो उसमें भी आपको सेलेक्टेड पढ़ना है। पहला ईएम फॉस्टर का इंडिया अगेन आपको पढ़ना है। जवाहरलाल नेहरू की लाइफ फिलोसफी, एक उनकी जो एक बुक है विच इज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसी का एक छोटा सा पार्ट, एक चैप्टर उसमें से लाइफ फिलोसफी, वो आपको पढ़ना है। उसके बाद रॉबर्ट लिंड का ऑन बीइंग अ बोर, बहुत इंटरेस्टिंग है, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एचजी वेल्स की ये स्टोरी है द कंट्री ऑफ ब्लाइंड, ये भी आपको पढ़ना है। और रविन्द्रनाथ टैगोर की बहुत फेमस स्टोरी है द पोस्ट मास्टर, दिस इज ऑल्सो इन योर सिलेबस। फिर ऑस्कर वाइल्ड का एक स्टोरी है द सेल्फ इज जायंट। सो दीज आर द स्टोरीज दैट यू हैव टू रीड। तो अगर आप ध्यान से समझे तो नौ पोयम आपको पढ़ने हैं। इस पोयम का एक्सप्लेनेशन और क्रिटिकल एनालिसिस आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। और फिर छह जो है वो प्रोज पीसेस पढ़ने हैं, जिसमें से किसी एक का क्रिटिकल एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन किसी में से भी आ सकते हैं, वो आपसे एग्जामिनेशन में आएंगे। उसके बाद एक ड्रामा आपको पढ़ना है विलियम शेक्सपियर का, विच इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस। सो द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज बाय विलियम शेक्सपियर, जिसमें से मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर का पूरा ड्रामा आपको पढ़ना है। और मार्किंग पैटर्न अगर आप देख ले तो तीन चीजें, एक ड्रामा मर्चेंट ऑफ वेनिस, नाइन पोयम्स, सो मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड नाइन पोयम्स एंड सिक्स प्रोज पीसेस, दीज आर इन योर सिलेबस। छह एक्सप्लेनेशन आपसे आएंगे, दो हर सेक्शन से, यानी कि दो मर्चेंट ऑफ वेनिस से आएगा, दो प्रोज वाले सेक्शन से आएगा, और फिर बाकी का जो है वो दो पोएट्री वाले सेक्शन विच इज द गोल्डन ट्रेजरी, इससे आएगा। तो दो दो तीनों सेक्शन से एक्सप्लेनेशन आएंगे, थ्री टू बी अटेम्प्टेड। तो छह एक्सप्लेनेशन में से सिर्फ तीन ही अटेम्प्ट करना है, मतलब और वो तीनों अलग अलग बुक से होने चाहिए। तो एक एक एक्सप्लेनेशन आपको अटेम्प्ट करने हैं, हर एक्सप्लेनेशन का 8 मार्क्स का रहेगा, 24 मार्क्स का ये हो जाएगा। और फिर तीन क्वेश्चन आएंगे, वन ईच फ्रॉम द थ्री बुक्स, मतलब एक क्वेश्चन मर्चेंट ऑफ वेनिस से आएगा, एक क्वेश्चन आपका ये प्रोज वाले पोर्शन से आएगा, और एक क्वेश्चन पोएट्री वाले पोर्शन से आएगा, ये 20-20 मार्क्स के।
सो 60 प्लस 24 इज 84, और एक प्रेसिज राइटिंग आएगा 16 मार्क्स का। प्रेसिज राइटिंग इज बेसिकली अबाउट कि कोई एक पैराग्राफ दिया हुआ है उसको आपको शॉर्ट करके लिखना है। मतलब मान लीजिए कि अगर 600 वर्ड्स का पैराग्राफ है तो सेम चीज को आपको 200 वर्ड्स में लिखना है, मतलब उसका समरी एक तरीके से लिख देना है। तो और 200 वर्ड्स में कोशिश करना है कि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ना छूटे। तो वो दरअसल कॉम्प्रिहेंशन है कि आप पैराग्राफ पढ़ के समझ पा रहे हैं कि नहीं, और फिर समझ के अपने लैंग्वेज में शॉर्ट करके लिख पा रहे हैं कि नहीं। तो दैट इज द प्रेसिज राइटिंग विच विल बी ऑफ 16 मार्क्स। उसमें आपको उस प्रेसिस का एक टाइटल भी देना होता है। सो दिस इज द क्वेश्चन पैटर्न ऑफ द सब्सिडरी इंग्लिश फॉर द फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन। अगर आपको इसमें किसी भी पोएट्री से या प्रोज से या ड्रामा मर्चेंट ऑफ वेनिस से किसी भी तरीके का हेल्प चाहिए या फिर रिटेन नोट्स चाहिए तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट अस। द नंबर इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।